हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जल्दबाजी में बनाने वाली एक नई रेसिपी। देखिए, इसके लिए मैंने दो कटे हुए आलू लिए हैं, दो प्याज लिए हैं, दो टमाटर लिए हैं, दो तीन मिर्च लिए हैं और मैंने दो कप चावल लिए हैं धो के। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। मैंने एक कुकर लिया है बनाने के लिए, मैंने 2 स्पून ऑयल डाला है और 1 स्पून इसमें घी भी डाल सकते हैं आप। मैंने अब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाला है। जीरे को हमेशा तेल गर्म होने पे ही डालें आप। मेरा जीरा भुन गया है, गोल्डन ब्राउन होने दें। उसके बाद हमने इसमें अनियन डाले हैं। हम अनियन को भी अच्छे से चला चला के गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही मेरे अनियन गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर डाल दूंगी। हम प्याज और टमाटर जो हम इसको अच्छे से हम भून लेंगे और अच्छे से हम गला लेंगे। देखिए, इसे हमें चला चला के अच्छे से पका लेना है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मैंने 2 स्पून नमक लिया है, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून मिर्च। मिर्च इसलिए कम डाली क्योंकि मैंने ग्रीन मिर्च, हरी मिर्च भी ले रखी है, 2-3 हरी मिर्च भी डाली है, इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च कम डाल रही हूँ। अगर आपको और स्पाइसी पसंद है तो आप मिर्च अपने स्वाद के अनुसार कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। और नमक भी, आप अगर आपको कम नमक पसंद है तो आप कम नमक डाल सकते हो। अब मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। अब मैं इनको अच्छे से भून भून के पका लूँगी। अब मैंने जो धो के चावल रखे थे, अब मैं उनको डाल दूँगी। मैंने बासमती का चावल लिया है। आप इसमें और अच्छा चावल ले सकते हैं तो, और बिरयानी वाला चावल लेंगे तो उसकी और अच्छा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। बट मेरे पास अभी इस समय यही चावल था तो मैंने इसी चावल का यूज़ किया है। बाकी आप बासमती भी ना हो तो आप नॉर्मल चावल के साथ ही पका सकते हैं। अब हम इनको अच्छे से मसाले के साथ अच्छे से चावलों को भी भून लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। मैंने इसमें 2 कटोरी चावल लिया है तो मैं इसमें 4 कटोरी पानी डालूंगी। और पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, मैंने ये अच्छे से मिला लिया है और इसमें पानी भी डाल दिया है। अब मैंने गैस का फ्लेम फुल कर दिया है। अब हम इसको ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। हम तेज गैस में 1 सीटी देंगे, उसके बाद हम 1 सीटी कम गैस में देंगे, गैस की आंच को कम करके। हमने 2 सीटी देनी है फ्रेंड्स। इसमें ये सीटी आ गई है और मेरा राइस बिल्कुल रेडी हो गया है। ये मेरा वेज पुलाव है। ये जल्दीबाजी में बनने वाला सबसे टेस्टी वेज पुलाव है। ये मेरे बच्चे, मेरी पूरे फैमिली को बहुत पसंद आता है। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ या मुझे लेट हो जाता है तो मैं यही बनाती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।